तो जैसा कि आप ये जानते हैं कि मेरा चैनल जो है वो ऑनलाइन मार्केटिंग के हवाले से है, और इस चैनल पर जो है आपको ऑनलाइन मार्केटिंग लेक्चर्स के हवाले से प्लेलिस्ट भी मिल जाएंगी, जिनको आप देख सकते हैं और काफ़ी कुछ ऑनलाइन नया सीख सकते हैं। तो वक्त ज़ाय किए बगैर चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं कि अब हम ये टॉपिक जो कवर कर रहे हैं वो है अमेज़ॉन एफिलिएट मार्केटिंग का। तो आई होप कि वो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा होगा और आप इस कोर्स को एंजॉय कर रहे होंगे। काफ़ी सारे व्यूअर्स ने एक बात की रिक्वेस्ट की थी कि आप जल्दी से हमें वीडियोस बनाने का तरीका बता दें। तो उन सब व्यूअर्स से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि मैं आपको सारा कुछ ही बताऊंगा, जो बात मैंने कही है वो मैं अल्लाह ताला के हुक्म से और अल्लाह ताला की मर्ज़ी से इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगा। आपने सिर्फ जंप इन नहीं करना, क्या जल्दी का काम जो है वो शैतान का होता है, और जल्दी ना किया करें, चीज़ों को पहले समझा करें, देखा करें। जो लोग ये कह रहे हैं कि आप जल्दी से हमें वीडियोज़ बनाना सिखा दें, भाई पहले अपनी प्रोडक्ट सिलेक्शन तो सीख लें पहले आप, कि आपने बेचना क्या है। जब तक आप मार्केट को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, ठीक है, अब फॉरेक्स के ऊपर मैं काम करता हूँ, ठीक है, फॉरेक्स की मार्केट में मुझे समझने के लिए जो है उसको पूरे का पूरा मैंने इसको समझा, सैकड़ों की तादाद में डेमो अकाउंट्स में मैंने काम किया, हर एक चीज टेक्निकली मैंने फॉरेक्स की समझी सीखी, फिर उसके बाद मैं उसमें रियल इन्वेस्टमेंट मैंने अपनी स्टार्ट। तो अगर मैं ना समझता तो डेफिनेटली यही होता कि मैं चीजें छोड़ के जो है वो भाग जाता। तो आपके जरिए स्किल सीखने हैं और अपने आपको ग्रो करना है, ठीक है। आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, आप मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं, और आप सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे मुसलमान भाई हैं और मैंने आपकी हमेशा हेल्प करनी है, मैंने आपको गलत गाइड नहीं करना। तो चलते हैं अपनी प्रोडक्ट सिलेक्शन की तरफ। इसमें सबसे पहले मैं ये गुजारिश कर दूं कि चार कैटेगरीज हमारे पास जो है मोस्ट सेलिंग आइटम्स की आ रही है। अमेज़न का अपना एल्गोरिथम जो है, जैसे दराज का एल्गोरिथम है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि दराज तरह से काम करता है, इसी तरह अमेज़न का भी एक एल्गोरिथम है जिसे A9 कहा जाता है। तो ये सारी चीजें जो है ये अमेज़न अपने तरीके से इसको रैंक करता है अपने एल्गोरिथम के जरिए, और इस एल्गोरिथम के जरिए हम काफी सारे ऐसी चीजें देख सकते हैं जो बेस्ट सेलिंग होती हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर आप चैनल बनाते हैं इन टूल्स के ऊपर, ठीक है, अभी आपने इन टूल्स को समझना है, ठीक है, अगर आपका इंटरेस्ट इस कैटेगरी में है, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप इस कैटेगरी को बेशक छोड़ दें। मैं आपको बार बार यही कहता हूँ, जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है, आपको समझ आ रही है, आप उसी के ऊपर ही अपना चैनल बनाएं। अब अक्सर यूट्यूबर्स हमारे पास जो मेरे पास क्यूरीज आ रही है almg@yahoo.com के ऊपर, कि वो ये कह रहे हैं कि हम एक चैनल बनाएंगे, उस सारे चैनल में हम हर चीज की जो है वीडियो डाल देंगे, तो ये तरीकाकार बिल्कुल गलत है। आपने सिर्फ मखसूस कैटेगरीज में अपने आप को रखना है जिनको आप समझते हो और उनके ऊपर आपने वीडियो बनानी है। अच्छा, ये चीजें जो है ये खासी सेलिंग में है, और यहाँ पर आप देखेंगे मिसाल के तौर पर हमारे पास ये पावर टूल है, और इस पावर टूल के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि किस तरह से काम करता है। उसके बाद यहाँ पर जो सबसे ज्यादा अहम बात है, आपने थोड़ा इन रेटिंग से भी आइडिया लेना है कि ये कितनी जो है सेलिंग इसकी ज्यादा है। अब यहाँ पर अगर आप ये देखेंगे एक बैटरी पैक है, ठीक है, इसकी ज्यादा सेल इतनी क्यों हुई है, क्या इसकी सेल इस वजह से हुई है कि ये पोर्टेबल है, क्या इसकी सेल इस वजह से हुई है कि इसकी प्राइस कम है, क्या इसकी इतनी ज्यादा सेल इस वजह से हुई है कि यूनिक प्रोडक्ट है। तो ये सारी चीजें आपने देखनी है। यहाँ पर मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि आपने फ्लोरिडा की स्टेट का जिप कोड लगाना है, फिर आपने प्रोडक्ट्स को जो है वो सर्च करना है। उसके बाद अगली कैटेगरी में आपको बताऊं ये हैंडक्राफ्ट आइटम्स है, तो आपने इसी टाइटल को यहाँ पर जो है ये सर्च कर लेना है और देखना है कि कोई और वेबसाइट इसे बेच ना रही हो। तो हैंडमेड आइटम्स में आपने एक सबसे पहले एक बात ध्यान में रखनी है, इनके नीचे वाली कैटेगरीज जो है वो आपने लाजमी चेक करनी है, जो इनकी स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स होती है। बाकी ये तरीका मैंने आपको बताया हुआ है कि आपको कोई भी प्रोडक्ट अगर सर्च करनी है तो आपने सिंपली जो है उसको, तो एक थंब रूल यहाँ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि ये जितने भी आइटम्स आपको मैं दिखा रहा हूँ, इनकी प्रोडक्ट सिलेक्शन का तरीका बता रहा हूँ, ये आइटम्स आपने रेटिंग्स को चेक करके देखने हैं। एटलीस्ट 100+ रेटिंग होनी चाहिए, यानी कि 100 से ज्यादा उस आइटम की सेल होनी चाहिए, तब आप उन प्रोडक्ट्स को चूज करें। उसके बाद ये गिफ्ट्स की कैटेगरी है, गिफ्ट जो है वो 12 मंथ से ईयर जो है हमेशा रनिंग प्रोडक्ट होती है, और हर वक्त हर ओकेजन में जो है कोई ना कोई गिफ्ट जो है चल रहा होता है। तो हाल ही में अभी ये ईस्टर गुजरा है, ईस्टर में आपने देखा कि अमेज़न ई गिफ्ट कार्ड की कितनी ज्यादा सेल हुई है। आपने अपने अंदर ऐसे स्किल पैदा करना है एक कि आपको फौरन पता चल जाए कि ये प्रोडक्ट जो है बेस्ट सेलिंग है या बेस्ट सेलिंग नहीं है। तो अब यहाँ पर ये मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या कुछ आपको देखने को मिल रहा है, तो आप कौन सी प्रोडक्ट जो है यहाँ पर चूज करेंगे, सिर्फ आधे मिनट के लिए आप गेस करेंगे यहाँ पे कौन सी प्रोडक्ट आप चूज करेंगे। क्या आप यहाँ पर ये सर्वाइवल किट जो है ये चूज करेंगे, या यहाँ पर ये स्पीकर चूज करेंगे, या ये बैग चूज करेंगे, ठीक है, या फिर आप जो है ये ट्रेसिंग पैड चूज करेंगे। ये आपने मुझे बताना है कि कौन सी प्रोडक्ट आप चूज करेंगे, क्योंकि इतनी एक्यूरेसी है आप में कि आप इस एडवांस जो है वो डिसीजन ले सकें। तो ये चीज आपने अपने अंदर पैदा करनी है। अब यहाँ पर जो है मैं ये वाली प्रोडक्ट जो है ये चूज करूंगा, उसकी वजह 3 है, मैं अपनी एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, आपकी एग्जाम्पल भी अभी ये चीज अप्लाई होगी, आपने इस चीज को जहन में रखना है। पहली वजह ये है कि मुझे इस कैटेगरी में इंटरेस्ट है,
है, जो सबसे मेन वजह है। दूसरी वजह यह है कि इसकी सेल्स और रेटिंग जो है वो पॉजिटिव है, लिहाजा इनका रिटर्न काम आएगा, ये होगी दूसरी वजह। तीसरी वजह यह है कि यहाँ पर इसकी फ्री शिपिंग है, कस्टमर इसको ज्यादा प्रेफर करेगा बाय करने में। और चौथी इसकी वजह यह है कि यहाँ पर इसके यूज्ड आइटम्स भी मौजूद है, यानी कि अगर कोई यूज स्पीकर परचेज करना चाहता है तो वो भी यहाँ से इस प्राइस रेंज में परचेज कर सकता है। उसके बाद यहाँ पर स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स आ रही हैं। फॉर इंस्टेंस मैं अब यहाँ पर आपसे पूछूं कि आप इनमें से कौन सी प्रोडक्ट चूज करेंगे, तो आप मुझे बताएंगे कौन सी प्रोडक्ट आप चूज करेंगे। देखें आपका गैस कितना है, ठीक है, अपने जहन में रखिएगा वो प्रोडक्ट, फिर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि कौन सी प्रोडक्ट हम चूज करेंगे। मैं यहाँ पर ये वाली प्रोडक्ट चूज करूंगा। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है, ये प्रोडक्ट पोर्टेबल है, ठीक है, फ्री शिपिंग है इसकी, यूज्ड में इसके आइटम्स अवेलेबल हैं, और इसके ऊपर मैं आसानी से जो है वो वीडियोस बना सकता हूँ। वीडियोस बनाने का तरीका मैं आपको अगली वीडियोस में जरूर बताऊंगा। चले नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट में मैं यहाँ पर आपके सामने जो है ये 8 प्रोडक्ट्स रख रहा हूँ, इनमें से आप कौन सी चूज करें। फॉर इंस्टेंस मैं इनमें से जो है वो ये वाली प्रोडक्ट सेल करना पसंद करूंगा। बात वहीं पे आ गई, मेरा इंटरेस्ट है इस कैटेगरी में और मैं इसको सेल करूंगा, और अपने प्रीवियस हेल्थ एंड ब्यूटी के एक्सपीरियंस के ऊपर मैं इस वाली प्रोडक्ट को भी प्रेफर करूंगा कि मैं इसको सेल करूं। तो ये सारी चीजें आपको सीखनी होती हैं और आपने इन सारी चीजों को तसल्ली के साथ समझना है। बैठिए, रिसर्च कीजिए, आपके पास टाइम है, आप इन सारी चीजों को समझिए, फिर उसके बाद हम वीडियो वाले टॉपिक की तरफ भी जाएंगे। मैंने आपको पूरी की पूरी मुकम्मल ट्रेनिंग देनी है और हकीकत पर मबनी ट्रेनिंग देनी है, सिर्फ ये नहीं कि एक वीडियो एक टॉपिक के ऊपर या दो वीडियो एक टॉपिक के ऊपर बना के मैंने छोड़ देनी है। कमेंट्स की तादाद जो है वो बहुत ज्यादा स्लो हो चुकी है, यानी कि आपकी मोहब्बत बहुत कम हो गई है। मोहब्बत को बढ़ाते रहा करें, चीजों को शेयर करते रहा करें, जो आपके पास दिल में है वो जरूर पूछा करें और कमेंट्स लाजमी किया करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब, लाइक सब्सक्राइब, लाइक सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।